नेपोलियन बोनापार्ट का एक बहुत ही फेमस कोट है, वॉर इज 90% इन्फॉर्मेशन। और जबकि बॉलीवुड की रॉ नाम की एक मूवी है और उसका भी एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जंग जीती या हारी जाती है एक चीज के बेसिस पर, इन्फॉर्मेशन। और इतिहास में हुए युद्धों से अगर कोई कुछ सीखता है तो वो यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी छेड़े जाते हैं। और इतिहास हमें यह भी बताता है कि जो भी पक्ष इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से फ्लो कराने में और उसको इन्फ्लुएंस करने में सक्षम रहा है तो वही सबसे टॉप प्लेस पर भी आया है। और 19th सेंचुरी में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा कहे गए वर्ड्स कि वॉर इज 90% इन्फॉर्मेशन, तो ये आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भी बिल्कुल सटीक बैठती है। और इन्फॉर्मेशन के बारे में यही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आज के समय के मॉडर्न 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का आधार भी है। आज की दुनिया में जो दुनिया भर के देश हैं वो इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन, इन दो चीजों के लिए खास तौर पर युद्ध लड़ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाइब्रिड वॉरफेयर वाला कॉन्सेप्ट आज के समय की बात है, बल्कि ये तो प्राचीन दुनिया में भी मौजूद था और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वॉरफेयर का एक मेजर पिलर भी बन गया। और कहा जाता है कि आज का जो ये मॉडर्न इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन वॉरफेयर है तो इसकी शुरुआत नाजी जर्मनी के चीफ प्रोपेगेंडिस्ट पॉल जोसेफ गोबेल्स द्वारा की गई थी और फिर बाद में उनके इस लीड को दुनिया के अदर वर्ल्ड पावर्स ने भी फॉलो किया। और आज के समय में जो दुनिया के अधिकतर मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं तो उनके पास अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, और फिर चाहे उसका इस्तेमाल दुनिया भर में अपने खुद के नैरेटिव्स को फैलाने के लिए किया जाए या फिर किसी दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके खिलाफ गलत नैरेटिव्स को सेट करने के लिए किया जाए और या फिर खुद के खिलाफ फ्लो होने वाले इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए किया जाए। जैसे कि चीन के पास है ग्लोबल टाइम्स, यूके के पास है बीबीसी, कतर के पास है अल जजीरा और ऐसी बाकी सब। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपनी स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी पर, जो कि जानी जाती है ISPR के नाम से। और हम जानेंगे कि पाकिस्तान की ISPR के कीबोर्ड वॉरियर्स किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हर दिन हर समय करते रहते हैं और इसको काउंटर करने के लिए किस किस तरह के एक्शन भारत ले सकता है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक और फ्रेश एपिसोड में, और आपके लिए पेश है पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ISPR का इन डेप्थ एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। भारत से चार बार युद्ध लड़ने के बाद और उसमें भी बुरी तरह से फेल होने के बाद पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि वो भारत के साथ कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं जीत सकता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और एक फिजिकल बैटलफील्ड से स्विच किया डिजिटल बैटलफील्ड में, जहां पे वो भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन ऑफेंसिव को लॉन्च कर सके। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो केवल मिलिट्री डोमेन तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि ये नॉन मिलिट्री डोमेन, खास करके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इन्फॉर्मेशन डोमेन्स, तो यहाँ पर भी ये अपना रोल प्ले करता है। और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के कई सारे पहलू हैं, फिर चाहे उसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ले लो, परसेप्शन मैनेजमेंट ले लो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर, इररेगुलर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मीडिया, ये सब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंडर आते हैं। और पाकिस्तान के इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वाले कॉन्सेप्ट में काम करती है ISPR, और जो कि मुख्य रूप से मेन स्ट्रीम, सोशल मीडिया, इन सभी के माध्यम से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। ISPR के फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, और पाकिस्तान में किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन की तरह इस ISPR को भी पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी और उनकी ISI कंट्रोल करती है। ISPR को 1949 में स्थापित किया गया और इसके पहले DG थे कर्नल शहबाज खान। और जैसे कि इसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, तो इसे मुख्य रूप से पाकिस्तान मिलिट्री की एक PR एजेंसी या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री की मीडिया आर्म की तरह ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया था, और इसमें पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मरीन्स, ये सभी आते हैं। और पब्लिक के साथ पाकिस्तान मिलिट्री का रिलेशंस बनाए रखने की जरूरतों पर ISPR मुख्य रूप से काम करती है, और इसके अंदर मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही तरह के पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं। इसे रावलपिंडी में स्थित ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से ऑपरेट किया जाता है, और अभी वर्तमान समय में ISPR के प्रमुख है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। बाकी ISPR को जब स्थापित किया गया तो ये कहा गया था कि इसका प्रमुख उद्देश्य होगा पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पाकिस्तान की जनता तक बिल्कुल एक्यूरेट और समय पर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले नेगेटिव प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ताकि वे पाकिस्तान की जनता के बीच पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सके। यानी कि अगर ऑन पेपर आप देखेंगे तो ISPR एक मीडिया विंग की तरह ही दिखाई देती है, जैसे कि बाकी सभी देशों की मिलिट्रीज की भी अपनी अपनी मीडिया विंग होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में जो ISPR है, तो ऑन पेपर उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में भले ही एक PR एजेंसी की तरह रोल दिखाया गया हो, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया है तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है तो वो हमेशा से ही मीडिया के विकास और मॉडर्न सोसाइटी की क्या क्या भूमिकाएं हैं तो उसके बारे में सतर्क रही है, और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मीडिया के ट्रू पोटेंशियल के बारे में हमसे जल्दी एहसास हुआ है।
और उन्हें इस बात का एहसास है कि मीडिया किस तरह से डोमेस्टिक नैरेटिव्स को शेप देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसलिए पाकिस्तान पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने मीडिया को कंट्रोल करना बिल्कुल सही समझा, क्योंकि अक्सर ये पाया गया कि मीडिया का फ्री फ्लो दुनिया भर में हमेशा तानाशाहों और उनके शासन के लिए खतरा रहा है, और पाकिस्तान के आर्मी डिक्टेटर्स इस फैक्ट से बिल्कुल अच्छी तरह से अवगत हैं। और इसी वजह से एक फ्री मीडिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ISPR को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर स्थापित किया, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की डीप स्टेट को, जिन्होंने इंडियन पॉलिसी मेकर से पहले इस बात को समझ लिया था कि मीडिया का पोटेंशियल क्या है, उसकी ताकत क्या है और कैसे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दुश्मन के खिलाफ। और पिछले कुछ वर्षों में ISPR के दायरे और प्रभाव में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है, और आज के समय में जो ISPR है वो पाकिस्तान में केवल मीडिया को ही कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ की मूवीज ड्रामास तो इनको भी रेगुलेट करता है ताकि उन्हें एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान में जो ISPR है वो एक प्राइमरी मीडिया ओवरसाइट बॉडी की तरह काम करती है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ISPR डायरेक्टली इस बात में इन्वॉल्व रहती है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसे और क्या कंटेंट पब्लिश किया जाएगा। कहने का सीधा मतलब यह कि पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से ISPR के कंट्रोल में आती है, और पाकिस्तान में ISPR के ऑर्डर्स को जो फॉलो नहीं करता है या उसको फॉलो करने से इनकार कर देता है तो या तो उसकी किडनैपिंग हो जाती है या फिर उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है, और अगर ज़्यादा ही हो जाए तो उसे गायब भी कर दिया जाता है। और गायब होने से क्या मतलब है वो तो आप सभी को पता ही है, और पास में से कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब ISPR और ISI ने उनके आदेशों का पालन ना करने वाले पाकिस्तान के पत्रकारों को निशाना बनाया है, जैसे कि एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मतीहुल्ला जान, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, तो 21 जुलाई 2020 में दिन दहाड़े उनको किडनैप कर लिया गया था, और करीब 12 घंटे के बाद उन्हें रिलीज किया गया। और उनकी जो किडनैपिंग है वो फेडरल कैपिटल के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक से हुई थी, लेकिन उन्हें आज तक ये मालूम नहीं पड़ पाया कि उनको किडनैप करने वाले कौन थे। लेकिन इस किडनैपिंग को लेकर पाकिस्तान में चर्चा जरूर हुई थी कि इस किडनैपिंग के पीछे ISPR का हाथ था, और ये किडनैपिंग एक तरह से मतीउल्लाह को ISPR की तरफ से दी गई चेतावनी की तरह थी। इसी तरह से पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हामिद मीर, जब उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करी थी और पाकिस्तान में बिगड़ती हुई प्रेस फ्रीडम के बारे में अपनी चिंता जताई थी, तो इसके ठीक एक महीने बाद 19 अप्रैल 2014 में इन्हें मल्टीपल टाइम्स शॉट कर दिया गया था, और इनको इनके पसलियों पर, जांघ पर, पेट पर और उनके हाथ में 6 गोलियां मारी गई थी। और इस हमले के लिए हामिद मीर ने पाकिस्तान की ISI और उनकी आर्मी को जिम्मेदार ठहराया था, और जबकि इस हमले से पहले उन्हें ISPR द्वारा कई मौकों पर धमकियां भी दी गई थी। इसी तरह से 22 जुलाई 2022 को पाकिस्तान के एक और जाने माने पत्रकार आमिर मतीन ने सोशल मीडिया पर ISPR के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, और जिसमें उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि पाकिस्तान की जो ISPR है वो किस तरह से पाकिस्तान के पत्रकारों को नियंत्रित कर रही है, उन्हें मजबूर कर रही है, उन्हें परेशान करती है, और पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं तो उनके लिए फरमान सुनाते रहती है। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब उन्होंने ISPR के सामने घुटने नहीं टेके और उनके आदेशों की अवहेलना करी तो फिर उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, और उन्होंने देश में जवाबदेही की कमी और मीडिया की स्वतंत्रता को कम करने के बारे में भी अपनी चिंता जताई है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो ISPR है वो पाकिस्तान के न्यूज़ रूम्स को, उनके प्रोड्यूसर्स को, उनके एंकर्स को कॉल करती है और वो बताते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और पाकिस्तान ISPR का रोल केवल पाकिस्तान के मीडिया को ही कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि उसका रोल भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में भी बहुत ज़्यादा है। अब जो ISPR है वो एक तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री का ही हिस्सा है, तो कश्मीर को लेकर उनका जो ऑब्सेशन है तो वो तो अपने आप ही बनता है। और कश्मीर को लेकर मुंगेरी लाल के अपने हसीन सपनों को पूरा करने के उद्देश्य के साथ जो ISPR है वो सोशल मीडिया और अदर मीन्स के थ्रू फेक नैरेटिव्स को फैलाने में लगी रहती है। जैसे कि पाकिस्तान का एक ऐसा ही डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बस्ट हुआ था इस साल भारत के रिपब्लिक डे पर, 26 जनवरी 2023 को, जब पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ISPR की तरफ से एक टूल किट फैलाई जा रही थी, और उस टूल किट में इंस्ट्रक्शंस थे कि भारत के रिपब्लिक डे पर कौन कौन से हैशटैग चलाने हैं, किस किस तरह की पोस्ट करनी है, और इसी में से एक हैशटैग था 26 जनवरी ब्लैक डे। और इस डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से पाकिस्तान का उद्देश्य था रिपब्लिक डे से लोगों का ध्यान कहीं और खींचना। और पाकिस्तान के इस 26 जनवरी ब्लैक डे वाले कैंपेन की जो लोकेशन थी वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और पंजाब में नोट की गई थी, और एंटी इंडिया कैंपेन के लिए इन दो स्टेट्स को मुख्य रूप से टारगेट किया गया था। और इस हैशटैग के साथ जो अधिकतर ट्वीट्स थे वो पाकिस्तान से किए गए थे, और ISPR द्वारा क्रिएट किए गए कई सारे बॉट अकाउंट्स की मदद से इस कैंपेन को पुश करवाने की कोशिश भी की गई थी। और इसी बीच एक फेक पाकिस्तानी बॉट अकाउंट ने एक वुमेन की फेक पिक्चर पोस्ट करी, और जिसे एक कश्मीरी वुमेन के तौर पर दिखाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये जो वुमेन है ये अपने बच्चे की मौत पर रो रही है जिसे इंडियन फोर्सेस ने मारा है। बल्कि एक्चुअल में जिस वुमेन की पिक्चर उन्होंने पोस्ट करी थी तो वो किसी कश्मीरी वुमेन की नहीं, बल्कि वो 2016 में क्वेटा टेरर अटैक से थी। इसी तरह से इस साल अपने सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे के नाम पर पाकिस्तान के ISPR की तरफ से एक शॉर्ट वीडियो को भी वायरल किया जा रहा था, और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने दुनिया भर में अपने मिशन को इस बात के निर्देश दिए थे कि वे इस टूल किट में मौजूद इन सारे मटेरियल को अपने अपने प्लेटफॉर्म से पब्लिश करें। यानी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर भी ISPR ने अपनी मिलिट्री की नाकामी को छुपाने के लिए कई तरह के प्रयास किए थे, और इस दौरान हैशटैग टीज फैंटास्टिक, हैशटैग ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, हैशटैग स्विफ्ट रिटॉर्ट,
तो इस तरह के अलग अलग टैग्स के साथ करीब 507 ट्वीट्स किए गए, जिसमें करीब 325 के आसपास यूजर्स शामिल थे और इनमें से एक भी वेरीफाइड यूजर नहीं था। और ये ट्वीट्स 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में पोस्ट किए गए थे। और पाकिस्तान के इस बालाकोट वाले कैंपेन में ISPR के पूर्व DG लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के फैन ग्रुप ने भी काफी हिस्सा लिया। बाकी लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कौन है, तो हमें लगता है कि इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो हम आपको हिंट देते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ये वही है जो बालाकोट के टाइम पे दो बंदे वाला क्लेम कर रहे थे। अब वो दूसरा बंदा था कौन, वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। और पाकिस्तान के ISPR ने दुनिया भर में फैले अपने बॉट्स की मदद से इस कैंपेन को रन कराने की कोशिश करी थी, लेकिन जो अधिकतर ट्वीट्स थे वो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। और ये पहली बार नहीं है कि जब ISPR ने भारत के खिलाफ कोई फेक नैरेटिव कैंपेन लॉन्च किया हो, लेकिन पाकिस्तान अपने कैंपेन के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज और डिफेम करने के अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाया। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी कई सारे पाकिस्तानी बॉट अकाउंट्स के खिलाफ एक्शंस लिए हैं, जो कि भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में शामिल थे। और जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उसके बाद से एकदम से ISPR द्वारा क्रिएट किए गए ट्विटर बॉट अकाउंट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन इस बात को ट्विटर ने भी नोट किया और पाकिस्तान के ऐसे करीब 200 बॉट अकाउंट्स को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। और ISPR के जो ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं, तो इन्हें एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में लॉन्च किया जाता है, जिनमें कुछ फेक क्लिप्स, फेक इमेजेस, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के नाम पर फोटोशॉप की गई न्यूज़ हेडलाइंस, तो इन सभी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा करने का पीछे का कारण होता है कि सोशल मीडिया पर एक आर्टिफिशियल ट्रेंड क्रिएट किया जा सके, जो कि देखने में एक ऑर्गेनिक ट्रेंड की तरह लगना चाहिए। और ISPR केवल कश्मीर को लेकर ही नहीं, बल्कि भारत में कम्युनल डिसहार्मनी को क्रिएट करने के प्रयासों में भी लगी रहती है। और ऐसा ही एक प्रयास पिछले साल एशिया कप के दौरान भी देखने को मिला था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो क्रिकेट है वो एक इमोशन की तरह है, और जब मैच हो रहा हो भारत और पाकिस्तान के बीच, तब ये इमोशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो एशिया कप 2022 में जब भारत पाकिस्तान का दूसरा मैच हो रहा था, तो उस दौरान भारत के स्टार बॉलर हर्षदीप सिंह से एक कैच छूट गया था। और बस फिर क्या था, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के इमोशन का फायदा उठाकर जो पाकिस्तान की ISPR थी, उसने तुरंत ही भारत में कम्युनल डिसहार्मनी को क्रिएट करने के लिए एक बिल्कुल ही नया तरह का कैंपेन लॉन्च किया। और कई सारे फर्जी पाकिस्तानी अकाउंट्स के जरिए खालिस्तानी नैरेटिव्स को स्प्रेड करने की कोशिश की गई, और अर्शदीप को एक तरह से खालिस्तानी के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसा करने का प्रमुख कारण था कि भारत में सिख कम्युनिटी के खिलाफ एक कम्युनल सेंटीमेंट को क्रिएट किया जाए, और जिसके बाद भारत में कम्युनिटीज के बीच एक दरार पैदा की जाए। और हमारे स्टार बॉलर अर्शदीप सिंह की जो इमेज है, उसे गलत तरीके से दिखा के भारत में खालिस्तानी नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश करी थी। और ये कैंपेन केवल भारत में नहीं, बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी चलाने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान के ISPR अपने इस प्रयास में भी सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस तरह के प्रयास से दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, वो भारत के खिलाफ अपने चीप डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए स्पोर्ट्स तक को नहीं छोड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत की तरफ से किस किस तरह के एक्शंस की जरूरत है। तो देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को लेकर भारत अपने क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत अपनी चीन और पाकिस्तान जैसी एडवर्सरीज से इन्फॉर्मेशन डोमेन के मामले में काफी पीछे है। अब जैसे कि अगर आप गलवान वाला क्लैश लेते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि उस क्लैश में क्या हुआ था। लेकिन उस क्लैश के बाद अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए चीन ने किस तरह से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लिया था, जिसमें इंडियन सोल्जर्स की तस्वीरें, वीडियोस ये रिलीज की गई थी, जबकि भारत की तरफ से इस तरह की चीजें बहुत ही कम देखने को मिली। और जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था कि गलवान में हमारे वीरों ने जो पराक्रम दिखाया है, अगर वो सच्चाई सबके सामने आ जाए, तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज के पास अपनी खुद की मीडिया आम है, जैसे कि आर्मी की है ADGPI, एयरफोर्स की अपनी खुद की है, नेवी की अपनी खुद की है, लेकिन ये सारी न्यूज़ आउटलेट की तरह काम करती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, तो उनके दुनिया भर में फैलने से पहले और वो कुछ हार्म क्रिएट करें, तो उससे पहले उनको बस्ट करने के लिए भारत को एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और भारत का एक प्लस पॉइंट यह है कि हमें पाकिस्तान की तरह कोई फेक प्रोपेगेंडा करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। अगर भारत अपनी एडवर्सरीज के रियलिटीज को भी सामने रखना शुरू कर दे, तो वो ही पर्याप्त होगा हमारे एडवर्सरीज की फेक इन्फॉर्मेशन कैंपेन को काउंटर करने के लिए। हालांकि PIB फैक्ट चेक जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो कि समय समय पर फेक न्यूज़ को बस्ट करते रहते हैं, लेकिन अब जितने बड़े पैमाने पर हमारे एडवर्सरीज भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और अभी के समय भारत में जो फैक्ट चेकिंग है और डिस इन्फॉर्मेशन को समय समय पर बस्ट किया जाता है, तो ये कार्य अधिकतर इंडिविजुअल्स या फिर इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर भी इस पर काफी काम करने की जरूरत है। हालांकि आर्मी और पॉलिसी मेकर्स द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पिछले कुछ समय में भारत सरकार द्वारा कई ऐसे YouTube चैनल्स, कई ऐसे Facebook पेजेस, इन सभी को ब्लॉक किया गया है जो कि फेक न्यूज फैलाने में इन्वॉल्व थे। और इनमें से अधिकतर चैनल्स ऐसे थे जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। लेकिन अभी भी इस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि भविष्य के जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो केवल रियल बैटलफील्ड में ही नहीं, बल्कि डिजिटल बैटलफील्ड में भी लड़े जाएंगे। और हमें इन दोनों ही बैटलफील्ड्स के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।